हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गॉसेज लॉ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है गॉसेज लॉ, इसी के एग्जांपल से समझिए। याद कीजिए स्टूडेंट, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था किसी ऐसे बॉडी के कारण जहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, जैसे कोई इनफाइनाइटली चार्ज्ड थिन रॉड है, उसके चलते अगर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते थे वहां पर, क्योंकि अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग एक छोटा सा चार्ज डी क्यू के चलते छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकालते थे, उसके बाद उसको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। क्लियर स्टूडेंट, बहुत से इस तरह की कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी वहां पर। कोई आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, चार्ज थिन रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो स्टूडेंट गॉसेज लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि गॉसेज लॉ पढ़ने के बाद आप इस तरह के सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसानी से, कंपैरेटिवली बहुत ही इजिली, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको रियलाइज होगा कि ये तो बहुत जल्दी निकल गया, ठीक है, उतना कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होगा। तो पहला ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया गॉसेज लॉ के साथ। स्टूडेंट दूसरा याद कीजिए, इसके जस्ट पहले जो हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में याद कीजिए आपको कुछ एग्जांपल वहाँ पर हम बताए थे कि जैसे सपोज कीजिए किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपका मान लिया क्यूब रख दिए हैं। अब उस क्यूब से पूछा जा रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट, अलग अलग उसका जो छः जो सरफेस होता था, छः सरफेस से अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, देयर आफ्टर उसको ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे उस पूरे क्यूब से। या फिर मान लिया अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर रखा हुआ है, उस एग्जांपल को भी हम लोगों ने वहां पर देखा था, तो उस सिलेंडर से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग उसके दोनों साइड का जो सर्कुलर सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, उसके बाद कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, उसको ऐड करते थे लाइक दिस। स्टूडेंट दूसरा गॉसेज लॉ का इंपॉर्टेंस ये है कि इस तरह की सिचुएशन में बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं गॉसेज लॉ पढ़ने के बाद। तो इतना आप समझ गए होंगे गॉसेज लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से हम लोग बहुत सी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं गॉसेज लॉ की सहायता से। अब हम लोग स्टूडेंट देखना शुरू करते हैं कि गॉसेज लॉ है क्या। तो प्लीज़ स्टूडेंट जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग शुरू करते हैं गॉसेज लॉ। तो गॉसेज लॉ का पहला स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, This law is normally used to calculate electric field in case of symmetric charge distribution. ये हम लोग देखेंगे स्टूडेंट बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से, बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम वगैरह में उन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कैसे हम लोग गॉसेज लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकालते हैं। तो पहले फिलहाल अभी आपको इतना समझना है कि भाई गॉसेज लॉ की सहायता से जहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हम लोग बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और नॉर्मली इसका यूज करते हैं। आगे अब ये लॉ क्या कहता है स्टूडेंट, ये लॉ क्या कहता है स्टूडेंट कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, एक एक वर्ड पे स्टूडेंट ध्यान देना है, इसका पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉसेज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। पहला इसका कंडीशन आपको बता दे क्या है गॉसेज लॉ आ रहे हैं उस पे, इसका सबसे पहला कंडीशन ही यही है कि भाई गॉसेज लॉ आप तभी यूज कर सकते हैं जब सरफेस आपका क्लोज्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली याद कीजिए जैसे क्लास 11th में मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ते थे कि भाई एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन होता था मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता था कि एक्सेलरेशन आपका कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ओनली देन आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली गॉसेज लॉ भी आप तभी यूज कर सकते हैं जब सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए। देखेंगे हम लोग एग्जांपल में बहुत बार सरफेस क्लोज अगर है तो हम लोग आसानी से लगा देते हैं, सरफेस जब क्लोज नहीं होता है तो एक हाइपोथेटिकल सरफेस से हम उसको क्लोज करते हैं जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये पहला कंडीशन कि सरफेस जो है वो क्लोज होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, चलिए दूसरा ये लॉ क्या कहता है अब इस पे आते हैं हम लोग, ये लॉ क्या कहता है हम लोग इस पे आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है इस गॉसेज लॉ को, ये लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस में इसको कहा जाता है इज दिस। यहां पर ये जो लिख रहे हैं फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी, लास्ट क्लास में स्टूडेंट पहले ही बताएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो प्लीज प्लीज जो भी स्टूडेंट अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो पॉसिबल हो तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले जाकर देख लें मेरे वीडियो को, तो ज़्यादा आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे। वहाँ पर इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये ई डॉट डी ए, क्या आपको शॉर्ट में हम रिविजन करवा दें, क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत बार जहाँ पर मान लिया कि आपका एरिया वेक्टर का अलग अलग डायरेक्शन है तो वहाँ पर क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो उस तरह के वेरिएबल केसेज में हम एक छोटे से एरिया डीए में छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई निकालते हैं और उसको फिर फाइनली इंटीग्रेट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालने के लिए।
क्लियर स्टूडेंट। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड निकालने के लिए छोटे से एलिमेंट्री एरिया डीए में हम छोटा सा फ्लक्स डी फाई हम लोग निकालते थे। यहां पर एक नया सिंबल स्टूडेंट ये सर्कल जो इस तरह से देख रहे होंगे ये एक आ रहा है, ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसमें एक ये जो इस तरह से सर्कल जो यहां पर दिया गया स्टूडेंट, ये जस्ट एक डिनोट करने के लिए कि सरफेस शुड बी क्लोज्ड, सरफेस शुड बी क्लोज्ड, जो कि पहले ही आपको बता चुके हैं ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है गॉसेज लॉ के लिए, तो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। यहां तक में स्टूडेंट कुछ नया नहीं है, बहुत डिटेल से इस चीज के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देख चुके हैं। अब नया क्या है, गॉसेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो भी उससे क्रॉस कर रहे होंगे, फाई जिसको कहते हैं, या फिर आप उसको इस तरह से जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं ई डॉट डी ए, किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, दिस विल बी नेट इनक्लोज्ड चार्ज। उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कि भाई अलग अलग सरफेस से आप निकालिए कितना ई डॉट डी ए का वैल्यू है, सबको ऐड कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल आज के क्लास का स्टूडेंट देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए कि मान लिया आपके पास कोई एक इस तरह का क्लोज सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, एंड जस्ट सपोज इसके अंदर मान लिया इस तरह से Q1 Q2 माइनस Q3 इस तरह से तीन चार्ज है। चलिए एक चार्ज को हम लोग मान लेते हैं Q4, बाहर एक चार्ज मान लेते हैं Q4, ठीक है। अब इस क्लोज्ड सरफेस से हमसे पूछा जा रहा है कि इसका फ्लक्स का क्या वैल्यू होगा। ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं कि भाई ये Q1 चार्ज है तो इससे भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मान लिया कुछ इस तरह का निकल रहा होगा, इस Q2 से भी निकल रहा होगा, Q3 में रेडियली इनवर्ड हो रहा होगा, रेडियली इनवर्ड, समझ रहे हैं बेसिक चीज ना। तो वही हमसे पूछ रहा है कि भाई इस क्लोज्ड सरफेस से जिसके अंदर तीन चार्ज है Q1 Q2 माइनस Q3 एक बाहर में चार्ज है Q4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या वैल्यू होगा। अब आप समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पिछले क्लास को याद कीजिए कि अगर आप गॉसेज लॉ हमें नहीं पता हो तो कितना मुश्किल है इस चीज़ को कैलकुलेट करना कि फ्लक्स का क्या वैल्यू होगा। यहाँ पर सिंपल गॉसेज लॉ की सहायता से अब आप बता सकते हैं कि भाई फ्लक्स का क्या वैल्यू होगा, तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज, अंदर में जितना जो चार्ज है, Q in को हम कह रहे हैं नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, इसी को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है अभी यहाँ पे, इसको हम गॉसियन सरफेस भी यहाँ पे कह सकते हैं। क्लियर है, तो ये जो गॉसियन सरफेस है मतलब जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर जो नेट चार्ज है, तो स्टूडेंट नेट चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, दिस इज योर आंसर, मेरा नेट फ्लक्स यही होगा इस क्लोज सरफेस के थ्रू। क्लियर स्टूडेंट, वेरी इजी। क्लियर स्टूडेंट। नाउ अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, पहला कि जब भी हम किसी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है जो इस क्लोज सरफेस के जो अंदर में चार्ज है उस पर सिर्फ डिपेंड करता है। क्लियर है, बाहर में जो भी चार्ज है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर वाला जो चार्ज है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, आप इसको समझ सकते हैं। देखें, इस Q4 चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसमें इन करेगा इस क्लोज सरफेस में, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फिर आउट भी होगा। मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन करेगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, मान ली यहाँ से कोई इन किया, मान ली ऐसे इन किया तो फाइनली ये तो फिर आउट हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बाहर वाले चार्ज के चलते जीरो हो गया। इसीलिए जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे तो नेट इनसाइड चार्ज, नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर वाला चार्ज जो है वो फ्लक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करते समय कंट्रीब्यूट काउंट नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, दूसरा इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन जब इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, चार्ज तो हमेशा अंदर वाला लेना है, अंदर में जितना नेट चार्ज है, जैसे यहां पर आप देखें Q4 हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे हम लोग आगे एग्जांपल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गॉसेज लॉ की सहायता से, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि इनफाइनाइटली चार्ज थिन रॉड है तो कैसे उसकी सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, गॉसेज लॉ की सहायता से, उस केस में जितना भी अंदर का चार्ज है और बाहर का चार्ज है वो सारा का कंट्रीब्यूशन होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा तो सारे चार्ज के चलते होगा। अभी सिस्टम में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर या इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वैल्यू पूछा जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सब चार्ज के चलते होगा, अंदर वाले चार्ज के चलते भी बाहर वाले चार्ज के चलते भी सब चार्ज के चलते होगा, लेकिन फ्लक्स जो होगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज के कारण ही होगा। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर ई जो है, ये ई जो है दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एलिमेंट्री एरिया डी ए ड्यू टू ऑल चार्जेज प्रेजेंट इन साइड एज वेल एज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लियर स्टूडेंट? बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी हम लोग तेजी से देखेंगे स्टूडेंट, तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसका देखते हैं, इसका सेकेंड पॉइंट। ये पहला एग्जाम्पल था, इसको नोट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है गॉसियस लॉ के बारे में स्टूडेंट। व्हेन अ क्लोज्ड बॉडी हैविंग नो चार्ज और नेट चार्ज जीरो, कोई क्लोज्ड बॉडी जिसमें या तो चार्ज नहीं हो या फिर नेट चार्ज जीरो हो, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ इट विल बी जीरो। तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा जीरो होगा, ऑब्वियस है। देखिए चलिए इसको एग्जाम्पल टू हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल टू, अब सपोज कीजिए कि मान लिया इस तरह से कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस तरह से कोई क्लोज्ड बॉडी रख देते हैं, इस तरह से कोई क्लोज्ड बॉडी रख दी, ठीक है, इसके अंदर अभी कोई चार्ज नहीं है। तो इस क्लोज्ड बॉडी से हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे फ्लक्स का क्या वैल्यू है, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड बॉडी, ठीक है, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड बॉडी, ये जो क्लोज्ड बॉडी है इसके थ्रू फ्लक्स का क्या वैल्यू है, तो जीरो है, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए गॉसियस लॉ की सहायता से चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, तो इनक्लोज चार्ज क्या है, इनक्लोज चार्ज का वैल्यू जीरो, कोई चार्ज नहीं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। क्लियर है? चलिए एग्जांपल नंबर थ्री, सपोज कीजिए कोई इस तरह से मान लिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया इस तरह से कहीं सिस्टम में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे मान लिया इस तरह से क्लोज बॉडी है, और इस क्लोज बॉडी के अंदर सपोज कीजिए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड चार्ज एंड ऑफ अपोजिट नेचर, सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए इस क्लोज सरफेस के अंदर, अब हमसे पूछा जाएगा इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कितना इससे कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है, तो यहाँ पर भी फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है, नेट इनसाइड चार्ज क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो नेट चार्ज क्यू माइनस क्यू जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? सेम थिंग इज रिटेन है, मतलब कि रिजल्ट स्टूडेंट क्या आया यहाँ पे, कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस को जिसमें या तो चार्ज ना हो या फिर नेट चार्ज जीरो हो, अगर हम यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो हमेशा उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा वो जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। छोटा सा रिजल्ट है जिसको बहुत आसानी से हम लोग देख लिए गॉसियस लॉ की सहायता से, जो कि चार्ज जीरो फ्लक्स जीरो, ठीक है। इस छोटे से रिजल्ट का स्टूडेंट देखिए कैसे इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। एग्जांपल फोर सपोज कीजिए कहीं इस तरह से किसी रीजन में मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू ई, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह मैग्नीट्यूड ई है, ई का वैल्यू जो भी होगा तो न्यूटन पर कूलम, चार न्यूटन पर कूलम, सब जगह उतना ही वैल्यू, डायरेक्शन आप देख रहे हैं। यहाँ पर अब हम एक हेमिस्फीयर को रख देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ये जो हेमिस्फीयर है उस हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताना है, कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताना है आपको। यहाँ पर ये हेमिस्फीयर का ये रेडियस दिया हुआ है, दिस इज कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज ई नॉट। क्लियर है?
तो कर्व्ड सरफेस से ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ये जो सर्कुलर सरफेस है नीचे वाला ये जो बेस है, अगर इससे पूछा जाता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या वैल्यू है, तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल देते। ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपका नीचे की ओर होगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, समझ रहे हैं, देखेंगे अभी, तो बहुत आसानी से निकाल लेते। लेकिन कर्व्ड सरफेस से, कर्व्ड ये जो कर्व्ड सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो अभी हम लोग जस्ट देखें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जब भी किसी क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है हेमिस्फीयर है, मतलब क्लोज्ड है नीचे क्लोज्ड ऊपर इस तरह से क्लोज्ड, इस जब भी कोई क्लोज्ड सरफेस रखेंगे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नेट फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो उस कंसेप्ट के आधार पे स्टूडेंट क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू कर्व कर्व्ड सरफेस जिससे हमको वैल्यू निकालना है, प्लस फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर ये जो नीचे वाला सर्कुलर इसका बेस है, सर्कुलर सरफेस नेट फ्लक्स जो जीरो होगा, तो ये कांसेप्ट ये है कि टोटल फ्लक्स इसके थ्रू जीरो होगा, मतलब कर्व वाला का फ्लक्स मिला दे प्लस सर्कुलर सरफेस जीरो होगा। यहां से हम लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, कर्व्ड सरफेस ये क्या होगा, माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस क्लियर है स्टूडेंट? ये इधर चला गया माइनस। अब देखिए, अब सर्कुलर सरफेस से हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? माइनस, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला हम लोग के पास होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए मतलब कि उसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखिए लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लास्ट क्लास में देखें डिटेल से, ठीक है। यहाँ पर माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है ई नॉट, ई नॉट एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो सर्कुलर सरफेस है इसका मैग्नीट्यूड कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉस कॉस एरिया वेक्टर, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, दिस इज एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, एरिया वेक्टर जस्ट नीचे की ओर, मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, दिस इज कॉस 180 डिग्री, क्लियर सुन, ध्यान दीजिएगा कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस वन होता है। देखिए यहाँ पे इसको लिख रहे हैं माइनस वन, जब ये माइनस वन होगा तो ये माइनस वन बाहर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फाइनली ई नॉट पाई आर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर, ई नॉट पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये वैल्यू मेरा निकल गया कर्व सर्फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, कर्व सर्फेस से आप समझ सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट पता नहीं हो, ये कंसेप्ट आप नहीं जान रहे हो, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें कर्व सरफेस से, तो इट विल बिकम वेरी टेडियस क्वेश्चन। तो इस तरह का इस कंसेप्ट का हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री स्टूडेंट क्या कह रहा है, द शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस विच मे बी रियल या हाइपोथेटिकल। इस पे हमारा डिटेल अभी देखेंगे कि गॉसियन सरफेस, अभी जस्ट आप एक रफली समझिए कि गॉसियन सरफेस जो क्लोज सरफेस हुआ उसी को हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि रियल, अब कैसे रियल भी होगा हाइपोथेटिकल भी होगा देखेंगे उस चीज को। डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फाई, डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फाई, जैसे जो भी एग्जांपल चल रहा था, शायद लगता है एग्जांपल फाइव अगर चल रहा होगा तो एग्जांपल चलिए सिक्स देख लेते हैं, एग्जांपल सिक्स आप उसको चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली। क्या यहाँ पे कह रहा है कि गॉसियन, आप जो क्लोज जो सरफेस जो करते हैं, जो सरफेस आप क्लोज करते हैं, उस क्लोज सरफेस का शेप और साइज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई क्लोज सरफेस इस तरह से, इसके अंदर चार्ज जो है क्यू है, कैपिटल क्यू इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, दिस विल बी सिंपली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सपोज कीजिए ये जो क्लोज सरफेस है इसको हम बिल्कुल इस तरह से अस्फेरिकल बना दें, कंप्लीट अस्फेरिकल, ठीक है, इसके अंदर ये क्यू चार्ज है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही वैल्यू होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए शेप हम चेंज करती हैं, ठीक है, या फिर सपोज कीजिए ये क्यू चार्ज जो है, अब ये रखा हुआ है मान लिया इस तरह से, ये सिलेंडर है,
इस सिलेंडर के सेंटर पे मान लिया रखा हुआ है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इतना ही होगा। अब हम पूछेंगे भाई अब इस केस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन, इस केस में तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन, इस केस में तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन। मान लिया कि ये कोई आपका क्यू है, क्यूब नहीं यहाँ पर, क्यू चार्ज रखेंगे, इस केस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो इस केस में भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि ये जो गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के शेप से कोई लेना देना नहीं है फ्लक्स का। शेप देखना आप सब जगह शेप अलग है, और सब में अगर नेट इनक्लोज चार्ज का वैल्यू सेम है, ऑब्वियस है नेट इनक्लोज चार्ज का वैल्यू अगर सेम है तो शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा वो सेम रहेगा। सेम थिंग इज रिटेन है कि शेप एंड साइज फर्क नहीं पड़ता है। साइज साइज भी देखिए फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया अभी देखिए ये मान लिया एक कुछ सर्टेन रेडियस का, मान लिया इसके अंदर क्यू चार्ज है, इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नेट इनक्लोज चार्ज। अभी मान लिया इसका साइज हम बढ़ा देते हैं, रेडियस बढ़ा दी, मान लिया डबल रेडियस इसका डबल कर दें, रेडियस डबल कर देंगे तो अब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, तो भी उतना ही होगा, तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। रेडियस को ट्रिपल कर देंगे तब कितना होगा, तो भी इतना ही होगा। जब रेडियस ट्रिपल होगा तो भी इतना होगा, डबल होगा तो भी इतना ही होगा, सिंगल तो भी इतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा हमेशा। ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि अब इस चार्ज से जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, तो जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस आर रेडियस को, मान लीजिए आर रेडियस है इसको क्रॉस करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो ये 2R वाले को भी करेगा, उतना ही 3R वाले को भी तो करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको, उतना ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे भी पास करेगा। ऐसा थोड़ी कि मान लीजिए इससे 5 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस किया तो इससे 10 हो जाएगा, नहीं, इससे 5 किया तो इससे भी तो 5 ही क्रॉस करेगा। समझ रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो साइज पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो गॉसियन सरफेस है उसके साइज पर भी डिपेंड नहीं करता है, साथ ही साथ शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है, बशर्ते नेट इनक्लोज चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए, अंदर में चार्ज का वैल्यू सेम होना चाहिए। सेम थिंग इज रिटेन है, क्लियर सुन, बेसिक कंसेप्ट ये पर, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है। अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये बिल्कुल देखिए उसी तरह की बात है। अभी अगर हम आपसे पूछें, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये एंगल का वैल्यू आपको हम दे दें, लेट दिस इज 30 डिग्री, सपोज आपसे हम पूछें कि अब ये एंगल कितना होगा भाई, तो ये भी एंगल तो वही 30 डिग्री होगा, ये भी एंगल तो 30 डिग्री होगा, सेम है, ये भी एंगल तो 30 डिग्री होगा, कुछ उसी तरह की बात है। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इससे निकलेगा वही इससे, एंड सो फ्लक्स का वैल्यू सेम रहेगा, साइज से कोई फर्क नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल 6 आपका हो गया, इसी में चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज चूज गॉसियन सरफेस इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस इज सिमेट्रिकल सेम कांस्टेंट एंड आल्सो द एंगल बिटवीन दिस। ये पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अभी हम लोग जस्ट देखने जा रहे हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल 7, अब अभी तक तो हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स देखे तो वहां पर क्या था कि फ्लक्स निकालना चाह रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, सपोज कीजिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो रहा है, हो जाएगा, देखिए मान लिया कोई पॉइंट चार्ज q है, इस पॉइंट चार्ज q के चलते हम चाहते हैं कि भाई r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अब निकालना चाहते हैं। देखिए अब गॉसियन लॉ का कैसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला भाई गॉसियन लॉ का कंडीशन ये है कि सरफेस शुड बी क्लोज, सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम क्लोज कर देंगे, इस पॉइंट को क्लोज कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को मान लिया हम बहुत तरीके से क्लोज कर सकते हैं, ऐसे भी किए तो भी क्लोज हो गया, ऐसे किए तो भी क्लोज हो गया, ऐसा हम ना करते अगर मान लिया, अगर ऐसा नहीं करेंगे सिंपल एक स्फीयर दे देंगे तो भी क्लोज हो जाएगा, एक स्फीयर ना देके मान लिया यहाँ पर कोई दूसरा इस तरह से एक सिलेंडर दे देंगे तो भी क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हैं, लाइक दिस कुछ इस तरह का कर दिया कर, तो बहुत तरीके से इस पॉइंट को हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, बहुत तरीके से क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हमको इस तरह से क्लोज करना है, इस तरह के सरफेस से क्लोज करना है, मतलब कि गॉसियन सरफेस को इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब पॉइंट पर सिमेट्रिकल हो या सेम हो या कांस्टेंट हो। जैसे इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, अभी जैसे देखिए मान लीजिए इसको हम जैसे इस तरह से कर देते हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियस है अब इसके हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस स्मॉल क्यू
चार्ज से हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा। जबकि हम कह रहे हैं कि भाई सरफेस को इस तरह से लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल हो, सब जगह उसका वैल्यू कांस्टेंट हो एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा सरफेस नहीं लेंगे, हम गॉसियन सरफेस इस तरह से नहीं लेंगे। तो हम कैसे लेंगे, तो देखिए अगर हम यहाँ पे इस तरह से अस्फेरिकल ले लें, अस्फेरिकल ले लें, तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अब इस अस्फेयर के हर पॉइंट पर हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस क्यू चार्ज के चलते सेम होगा। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा, चूंकि सब जगह अब इसका डिस्टेंस सेम हो गया। तो इस आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि भाई हम ये जो गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस लिए, जो कि समझिएगा यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस ये जो लिए हैं ये हाइपोथेटिकल है, ये पॉइंट तो क्लोज नहीं था, क्लोज नहीं था, हम इसको क्लोज किए, हम इसको क्या किए, क्लोज किए। जबकि ध्यान दीजिएगा इसके पहले, इसके पहले बहुत से एग्जाम्पल्स में अभी हम आपको दिखाएं कि भाई आपका कोई क्यूब दिया हुआ है, या फिर मान लिया और भी कोई दूसरा आपका कोई भी शेप का दिया हुआ है, स्फेरिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, तो वहां पर रियल था सरफेस, रियल भी हो सकता है, गॉसियन सरफेस रियल भी हो सकता है अगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्लोज बड़ी है तो, या फिर अगर क्लोज नहीं है तो उसको हाइपोथेटिकली एक इमेजिनरी इस तरह से एक सरफेस लेते हैं। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया, क्लोज है नहीं, हमने इसे क्लोज किया, क्लियर है। तो यहाँ पर स्फेयर इसलिए लिए क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। अब देखिए अब यहां से हम लोग अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। चलिए हमारे पास बेसिक क्या इक्वेशन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, E डॉट डी ए इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमको निकालना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए सरफेस चूज करने का एक और फायदा हो गया, एक और फायदा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमको निकालना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह कॉन्स्टेंट होगा। दूसरा फायदा ये हुआ, दूसरा फायदा कि अब हर एलिमेंट्री एरिया में कहीं भी इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा सेम होगा, सेम होगा, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। मान लिया आप अगर फिर दूसरा एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, मान लिया यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर का कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में और इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर का भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरह से लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री, या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री। इससे फायदा क्या, इससे फायदा ये कि जब ई डॉट डी ए इसको करेंगे, ई डी ए कॉस थीटा जब करेंगे, कॉस थीटा तो कॉस 0 करेंगे तो कॉस 0 का टर्म 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस 90 करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए हमेशा हम गॉसियन सरफेस जो है वो इस तरह से चूज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए। अब चलिए उस तरह से हम चूज कर लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ध्यान दिया अब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिक इक्वेशन के हिसाब से। चलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सब जगह कॉन्स्टेंट होगा, जो उसी का वैल्यू हमको निकालना है, अभी इसको बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। चलिए ये डी ए और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एलिमेंट्री एरिया डीए के बीच का जो एंगल है सब जगह 0 डिग्री होगा, सब जगह किसी भी पॉइंट पे, तो कॉस 0 डिग्री कर देते हैं, दीजिए क्यू इन, तो नेट इनक्लोज चार्ज, अब चलिए नेट इनक्लोज चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर ना। नाउ दिस इज ई कॉस 0 तो आपका 1 हो गया, डी ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन, मतलब हर छोटे जो एलिमेंट्री एरिया है सबको हमको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, ये एक स्फीयर है स्मॉल आर रेडियस का, तो इसका सरफेस एरिया, टोटल जो सरफेस एरिया हो गया, मतलब वही इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो गया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr² अगर उसका रेडियस स्मॉल आर है तो, मैथ से पता है आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट, दिस इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप देख सकते हैं, यहां से हम लोग निकालेंगे तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई आपका यह आ जाएगा q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मतलब दिस सेम थिंग 1/4πε₀ इंटू q बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो कि पहले से आप जान रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गॉसेज लॉ का यूज करके हम लोग एक पॉइंट चार्ज क्यू के चलते आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं,
क्लियर। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, गॉसियन सरफेस कैसे चूज करना चाहिए, ये इस पॉइंट में अभी हम लोग देखें। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग कुछ जनरल एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं स्टूडेंट, जनरल एग्जांपल्स कि कैसे गॉसियन लॉ पे और भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है। Perhaps example 8 शायद चल रहा था। चलिए अब हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं कि कैसे गॉसियन लॉ पे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सपोज कीजिए, चलिए हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8 में, कि आपको मान लिया दिया गया है, एक मान लिया क्यूब एक दे दिया गया, ये मान लिया आपको एक क्यूब दिया गया है, सपोज कीजिए इस क्यूब के सेंटर पे कैपिटल क्यू ये चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई फ्लक्स थ्रू द क्यूब, मतलब पूरे क्लोज्ड बॉडी से, ऑलरेडी ये क्लोज्ड बॉडी है उसके सेंटर पे हम क्यू चार्ज रख दिए हैं, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा। तो सिंपल कितना फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, तो नेट इनक्लोज चार्ज क्यू, नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, हो गया आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाता है। अब आपसे पूछेगा कि ठीक है, अब तो ये तो टोटल क्लोज्ड सरफेस से, टोटल क्लोज्ड बॉडी से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताया, अब हमको सिर्फ ये बताइए कि इसके इस सरफेस से, या किसी भी एक सरफेस, कोई भी एक सरफेस कह सकता है, कि पार्टिकुलर इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना, इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स क्रॉस कर रहा है, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा। क्लियर है, मतलब किसी एक सरफेस से, एक सरफेस से। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अब ये सिमेट्रिकल है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसमें टोटल कितने सरफेस है, टोटल 6 फेस है, चार इस तरह से हो गया, एक ऊपर एक नीचे हो गया, टोटल 6 हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ कोर्स, टोटल फ्लक्स का वैल्यू है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यही इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक एक सरफेस से क्रॉस कर रहा होगा, तभी तो इतना प्लस इतना प्लस इतना 6 बार आप उसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इस चीज को देख भी दे डिटेल से, कंसेप्ट आपका वहां से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा अब ये देखने के बाद। नाउ क्यूब सरफेस, मान लिया आप सपोज कीजिए, अब ये किसी एक फेस से ना पूछकर अब आपसे पूछ दे कि ठीक है, आप इसके बताइए कि किसी एक कॉर्नर से, किसी एक कॉर्नर से, किसी एक कॉर्नर से, पर्टिकुलर इस कॉर्नर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा। भाई तो इसमें टोटल कॉर्नर से अगर आपसे पूछेगा, कॉर्नर से, कॉर्नर से आपसे पूछेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल कॉर्नर कितना है, तो 1 2 3 4, फिर इसी तरह नीचे भी 4 4, मतलब 8, टोटल 8 कॉर्नर है। तो सिमेट्रिकल सिमेट्रिसिटी के हिसाब से किसी एक कॉर्नर से, किसी एक कॉर्नर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, दिस विल बी क्यू बाई, इसमें क्या कीजिए 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एग्जैक्टली। उसी तरह से अगर पूछ सकता है कि किसी एक एज से, किसी एक एज से, इस एज से, पर्टिकुलर इस एज से बताइए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इससे भी क्रॉस कर रहा होगा ना, ये तो निकल रहा है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो पर्टिकुलर इस एज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का किसी एज से अगर आपको निकालना हो, किसी एज से अगर निकालना है, किसी एज से निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल टोटल एज आपका कितना है, 4 4 4 ऊपर में, 4 4 नीचे में, और 4 चार तरफ, मतलब 12, मींस क्यू बाई, इसमें 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जांपल 9, सपोज कीजिए आपको एक ये हेमिस्फीयर दे दिया गया, हेमिस्फीयर इसके सेंटर में स्मॉल क्यू चार्ज रख दिए, अब इस हेमिस्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे डायरेक्ट हम गॉसियन लॉ यूज ही नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या था कि डायरेक्ट यूज कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि चार्ज मेरा इनक्लोज था, क्लोज बॉडी था, अब ये क्लोज बॉडी नहीं है, क्लियर है, क्लोज बॉडी नहीं है, तो सबसे पहले तो हमको इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई आप फ्लक्स का वैल्यू बताइए इस हेमिस्फीयर से, इस हेमिस्फीयर से, कैसे सोचेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, हेमिस्फीयर से फ्लक्स का वैल्यू बताइए। तो हम पहला तो इसको डायरेक्ट गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते, क्लोज करना होगा। अब क्लोज इस तरह से करें, क्लोज इस तरह से करें ताकि हम आसानी से इसको निकाल सकें। अब इसको क्लोज आप देखिए, आप क्लोज इस तरह से
एक इस तरह से, इस तरह के बड़े से भी कर सकते हैं, कोई एक सिलेंड्रिकल शेप का आप रख दीजिए, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप का रखिएगा, देखिए तो क्या परेशानी है। मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल शेप का इस तरह से आप एक बड़ी से आप इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज तो ये अभी भी हो गया, क्लोज तो अभी भी हो गया। अब इस टोटल क्लोज्ड बॉडी से, जिसमें हाफ तो हेमीस्फीयर था, हाफ आप सिलेंड्रिकल से आप उसको क्लोज कर दिए हैं, टोटल से तो हमको पता है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपका फ्लक्स होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब यहाँ तो सिमेट्रिकल नहीं है कि भाई यहाँ जैसे ये सिमेट्रिकल सिचुएशन था, इसे बहुत आसानी से करते चले गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई अब ये हेमीस्फीयर से कितना वैल्यू होगा। क्लियर है, ये तो कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज भी कर दिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अब इस हेमीस्फीयर से कैसे निकालें, इससे बचने के लिए अगर हम इसको एक हेमीस्फीयर से ही क्लोज कर दें, दिस इज एग्जांपल 9 हेमीस्फीयर से ही इस तरह से क्लोज कर दें, देखिए तो अब क्या बेनिफिट है। अब इसका ये बेनिफिट है, अब तो ये क्लोज हो ही गया, ठीक है, और ऑब्वियस आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है, अब यहाँ पे क्या है, हाइपोथेटिकल है, कहीं पे रियल होगा, यहाँ पर रियल था, यहाँ पे हाइपोथेटिकल है। क्लियर है, तो अब इसको क्लोज करने के बाद बेनिफिट क्या हुआ कि टोटल आपका फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस टोटल क्यूब से, टोटल स्फीयर से, तो हेमीस्फीयर से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ हो जाएगा। सिंपल आंसर इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एग्जैक्टली उसी तरह सब कुछ कीजिए, मान लिया एग्जाम्पल टेन, मान लिया कोई एक ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर के यहाँ पर सेंटर पे आपका कैपिटल क्यू रखा गया है, कैपिटल क्यू रखा गया है। अब इस कैपिटल क्यू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, और भाई इससे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो सब जगह निकल रहा है ना, कंसेप्चुअल भी क्लियर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो इससे सब जगह निकल रहा है, इधर 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 बाहर भी निकल रही है। तो पूछना है हमको कि इस सिलेंडर से कितना इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। तो सबसे पहले तो हमको क्लोज करना होगा, तो अगेन इस एग्जांपल की तरह क्लोज तो आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको क्लोज करें, कैसे क्लोज करेंगे, आप इसको क्लोज करें एक दूसरे सिलेंडर से इस तरह से, क्लोज करें। अब ये क्लोज हो गया, यहाँ भी इसको डॉटेड बना देना ज़्यादा सही होगा, इस तरह से एक दूसरे हमें स्फीयर से इसको क्लोज कर दिया, एक दूसरे सिलेंडर से क्लोज कर दिए। अब बेनिफिट क्या है, अब टोटल इस टोटल क्लोज्ड बॉडी से मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे वाले सिलेंडर हाफ सिलेंडर थे, हाफ से कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इतना से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिर हो जाएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल ले रहे, सपोज कीजिए कि मान लिया अगेन आपके पास अब एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्यूब के किसी एक सेंटर पे, जैसा कि इसके पहले एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि चार्ज आपका इसके अंदर सेंटर में रखा हुआ था, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सेंटर में ना रख के इसके एक इस ये जो आपका ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर यहाँ पर हम Q चार्ज रख दिए हैं। तो अब इस Q चार्ज से, अब इसके इस Q चार्ज से भी समझ रहे हैं यहाँ की तरह इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो सब जगह निकल रहा है, सब जगह रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है सिर्फ इस क्यूब से, कितना क्रॉस कर रहा है ये हमें निकालना है। तो अगेन क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि ये क्लोज तो अभी है नहीं, यदि इसके इस सरफेस पर तो ये क्लोज है नहीं, तो क्लोज करेंगे तो आप समझ सकते हैं ऑब्वियस है हमारे लिए सबसे सुटेबल शेप क्या होगा, एक दूसरा क्यूब, इसी तरह का एक क्यूब जो है यहाँ पर साइड से लाके अटैच कर दें, मीन्स लाइक दिस, कुछ ऐसा बात कर दें, समझ लाइक दिस,
एक दूसरे इसी तरह के एक क्यूब से इसको हम लाके अटैच कर रहे हैं। तो अटैच करने से क्या होगा कि अब ये क्लोज हो गया, अब ये टोटल क्लोज हो गया। अब इस टोटल बॉडी से, ये टोटल क्लोज बॉडी से मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस टोटल क्लोज बॉडी में तो नेट इनक्लोज चार्ज तो क्यू ही है ना, तो टोटल टोटल फ्लक्स हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ इस क्यूब से, इस क्यूब से मतलब फ्लक्स थ्रू क्यूब, जो क्यूब दिया गया है उस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सिंपल हाफ कर दीजिए, सिमेट्रिकल है क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो इसे सेंटर पे रखा हुआ है, तो जितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा होगा उसका हाफ इससे क्रॉस कर रहा होगा, हाफ इससे क्रॉस कर रहा होगा, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू, अगेन अगेन आपके पास इस तरह से एक क्यूब है, एक क्यूब है, और इस क्यूब के एक कॉर्नर पे सपोज कीजिए हम क्यू चार्ज रखती है। अब इस क्यू चार्ज के चलते फाइनली जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आप समझ रहे हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है इस क्यूब से जिसके एक कॉर्नर पे रखा गया है कैपिटल क्यू। इसके पहले वाले केस में क्या था, फेस पे रखे थे, इसके पहले वाले केस में सेंटर पे अंदर में रख दिए थे तो क्लोज करने का जरूरत ही नहीं था, यहाँ पर तो क्लोज करना पड़ा, ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि तो बाहर में अभी ओपन में है, ठीक है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। किस तरह से क्लोज करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमको इस क्यूब से निकालना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचे ना, अब देखते हैं, ऑब्वियस है अगेन इसको क्लोज करने के लिए सिमेट्रिक टाइप से हमको क्लोज करना होगा, तभी तो सिमेट्रिक देखिए रहता है, तभी तो बहुत आसानी से टोटल इतना है तो हाफ कर दिए या 1/6 कर दिए या 1/12 कर दिए, अभी जस्ट देखें एग्जांपल्स में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, किस तरह से क्लोज करेंगे, देखिए एक क्यूब है तो इसमें टोटल नीचे में इसके साथ साथ तीन क्यूब लगाना पड़ेगा और ऊपर से टोटल चार क्यूब लगाना पड़ेगा, टोटल चार क्यूब लगाना पड़ेगा, सो डैट कि ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से, एक क्यूब बगल से सटाना होगा, एक क्यूब इस तरह से आपको ऊपर से रखना होगा, एक क्यूब आपको इस तरह से ऊपर से रखना होगा, ठीक है, दो क्यूब आपको इसको पीछे से सटाना होगा, लाइक दिस आप समझ सकते हैं। टोटल टोटल मतलब कि इस एक क्यूब के अलावा टोटल आपको ऊपर में चार और नीचे में तीन, नीचे में तीन, यहाँ पर ये आपका ओरिजिनल क्यूब है, मेन क्यूब है, नीचे में तीन क्यूब इस तरह से सटाना होगा और ऊपर से भी चार क्यूब इस तरह से लगाना होगा, तब जाके आपका ये जो चार्ज है पूरी तरह क्लोज होगा, पूरी तरह क्लोज होगा। अब इस क्यूब चार्ज से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता है, तो टोटल आपका इस तरह का कितना क्यूब हो गया, टोटल आपका आठ क्यूब हो गया, चार नीचे में हो गया, चार ऊपर में हो गया, तो एक क्यूब से, इस क्यूब से पूछ रहा है, तो इस क्यूब से मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आठों से निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस एक क्यूब से क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट? कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत इजी क्लास था और इंपॉर्टेंट क्लास था आज का। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गॉसेज लॉ का यूज करके हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में जहां पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकालते हैं। जैसे जस्ट इंटरेस्ट के लिए सपोज कीजिए कि अगर आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, इसके थ्रू आउट इसके वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमको कह दिया जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, तो आप समझ लीजिए कि अगर इसको जनरल तरीके से बनाना चाहें इंटीग्रेशन वगैरह का हेल्प लेके, ये तो कितना टीडियस वर्क हो जाएगा। बहुत आसानी से हम इस तरह के सारे सिचुएशंस में गॉसेज लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। थैंक यू।